हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे एवरराइज टोकन के अपडेट के बारे में, और इसमें यह भी जानेंगे कि अभी हमें इसे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, और इसका स्टेकिंग का जो मैकेनिज्म है वो भी जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉइन मार्केट कैप में इसका जो प्राइस अभी है वो 0.07338 और अराउंड 1% में ये अपसाइड ट्रेड कर रहा है। और एक पॉजिटिव चीज़ है इसमें जो कि मार्केट अभी डाउन चल रहा है, बट इसका जो 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट 100% अप की ओर कर लो। यस, इसमें ट्रेडिंग हो रहे हैं, ठीक है। उसे टोटल सप्लाई बात कर लेते हैं, 63 बिलियन ही है इसका टोटल सप्लाई है। यस, कंपेरेटिव टू बाकी जितना भी स्वाइप्स है उससे ये बहुत ही ज़्यादा सप्लाई है यहाँ पे, बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी ये इनिशियल में है। तो इसमें आप इसमें ये ट्रेड कर सकते हैं, इसमें आप इसमें लाइक इसमें बेट लगा सकते हैं, क्योंकि गाइज इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो ये एवरराइज जो टोकन है, ठीक है, इसका जो नेटवर्क है इसमें आप देखेंगे इथेरियम में भी है, बीएससी में भी है, आपका पॉलीगोन में भी है। तो तीनों ब्लॉकचेन को एक साथ इसने ब्रिज करा है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप कोई टोकन आप मान के चलिए बीएससी में आप लाइक इथेरियम में कुछ खरीदते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आपको बीएससी में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा और पॉलीगोन में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो टोटल सप्लाई है, देखिए पॉलीगोन में भी आपका 71 बिलियन है, इथेरियम में भी आपका मतलब ये आपका 71 बिलियन है और आपका बीएससी में भी 71 ही है। तो और इसका एड्रेस भी देखेंगे आपका सब में सेम है। तो ये चीज़ है गाइस इसमें कि क्योंकि देखिए स्वाइप है तो ये तीनों नेटवर्क्स में ये एक साथ काम कर रहा है। तो अगर कल का डेट में इसका जो देखिए इसका जो अगर डी एप्स देखेंगे तो कल का डेट में ये आने वाला है, कमिंग सून है ये सब, अभी क्या पता अगले साल तक आ जाना चाहिए, एवर स्वैप और एवर वॉलेट। अगर ये दोनों आता है तो गाइस इसका जो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो आपका एवरराइज में ही होंगे, ठीक है, जिसे आपको यहाँ पर ट्रेड बाय सेल एंड ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे कोई भी हम लोग नॉर्मल पेनकेक या फिर क्विक स्वैप में या फिर आपका यूनी स्वैप में जो करते हैं, ठीक है, यूनी स्वैप में जैसे इथेरियम लगता है आपका पेनकेक में, आपका पॉलीगोन लगता है पेनकेक में, सॉरी आपका बीएससी लगता है और आपका क्विक स्वैप में आपका पॉलीगोन लगता है। तो इसी हिसाब से जब आ जाएगा एवर स्वैप आ जाएगा तो आप कोई भी तीनों ब्लॉकचेन में या तीनों नेटवर्क में आप आराम से एवर राइज के थ्रू आप यहां पे ट्रेड कर सकते हो। तो यस, ये आने वाला है, अगर ये आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा ही आपको इसमें उछाल प्राइस में आपको उछाल देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये बहुत ही क्रम 1 रुपीज़ से मतलब से आपका 1 पैसे 7 पैसे आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो यस, अगर ये नीचे भी आती है तो कोई बात नहीं है क्योंकि इसको कल के डेट में इसको ऊपर जाना ही है, क्योंकि इस टाइप का ये पहला प्रोजेक्ट है जो तीन नेटवर्क में एक साथ काम कर रहा है। तो गाइस इसको आप मिस मत कीजिए। अगर इसका आप एवरब्रिज का जो आपको बताया मैं कि आप एक ब्लॉकचेन से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आप आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, तुरंत हो जाता है ट्रांसफ़र। एवर माइग्रेट अगर आपने अभी ख़रीद रहा है, अभी आप अगर ख़रीद रहे हो तो ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपका वर्जन 1 था तो आप इसमें माइग्रेट कर सकते हो वर्जन 2 में इसके थ्रू। एवर स्टेक जो है गाइस इसका जो है, देखिए यहाँ पे स्टेक क्या है, स्टेक योर राइज टोकन नाउ स्टेक एंड अर्न अ शेयर ऑफ टोकन परचेज्ड वाया ऑटो बायबैक। यस, जिसमें जो ट्रांजेक्शन जो चार्ज लगता है उसमें जो कुछ परसेंट के जो बायबैक होते हैं अगर आप इसमें स्टेक करते हो, इसमें स्टेकिंग करने का भी और एक बड़ी फायदा है कि अगर एक मंथ के लिए आप स्टेक करते हो तो आपका वेटेज जो रहेगा, मान के चलिए आपके पास 100 टोकन है, आप 100 टोकन स्टेक करते हो एक महीने के लिए, तो आपका 100 टोकन्स का वेटेज जो रहेगा वो 100 ही रहेगा, ठीक है, तो मान के चलिए आपको जो रिवार्ड मिलेगा वो उसी के ऊपर मिलेगा। बट अगर आप उसको वही 100 टोकन्स को अगर आप 6 महीना या फिर 2-3 महीना जो भी स्टेक करेंगे तो उतना महीना इंटू हो जाएगा उसमें, मान के चलिए आपके पास 100 टोकन्स है, आप 6 महीने के लिए स्टेक करते हो तो आपका क्या हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा और आपका जो टोकन का वेटेज है 600 हो जाएगा। तो हर महीना आपको जो 600 है उसके ऊपर आपको रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, 600 मतलब आपका तो 100 ही टोकन है बट आप 6 महीने के लिए इसको स्टेक करके रखे हो तो आपको 600 आपका जो वेटेज होगा वो 600 होगा, तो उसके ऊपर ही आपको वो जो रिवार्ड है उसमें आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर आप स्टेक करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें क्या होता है कि इसका प्राइस जो कि बहुत कोई 12 महीने के लिए स्टेक करेंगे क्योंकि अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए वो 12 महीने तक के लिए स्टेक करेगा, राइट, क्योंकि सो उसी हिसाब से अगर देखेंगे तो वो चीज़ जो इसका जो प्राइस जो रहेगा वो बहुत स्टेबल रहेगा। तो इसीलिए गाइस अगर आपको स्टेक करना है तो आप यहाँ पर आराम से आकर के देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइनेंस में भी इथेरियम और
पॉलीगॉन में भी, आप कहीं भी आकर के यहाँ पे आप अपना स्टेक कर लीजिए, हो जाएगा आराम से, और आपको इसमें अच्छा खासा रिवार्ड भी मिलते रहेगा। क्योंकि देखिए इसको अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो आपको 12 महीने अगर स्टेक करते हो तो सोचिए हर महीना आपको इंटू 12 का वेटेज से आपको रिवार्ड मिलते रहेगा 12 महीना तक के लिए। अगर मार्केट ये पैसिव इनकम के लिए सबसे बेस्ट है, सो अगर आप लोग इसको कंसिडर करना चाहते हैं तो यस गाइस आप लोग कंसिडर कर सकते हैं इसे, क्योंकि मैं तो इसमें बहुत पॉजिटिव हूँ। यस अभी के लिए नहीं, लेकिन इसको साल भर, 2 साल 3 साल तक अगर हम इसको होल्ड करते हो अच्छा खासा अमाउंट में भी, अगर आप टोकन खरीदते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आपको ये लॉन्ग टर्म में दिला सकता है। मान के चलिए आप अभी यहाँ पे 2000 का अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अराउंड 227,253 टोकन्स मिल रहा है। अगर ये $1 ये पहुंचता है तो सोचिए गाइस आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है। ये तो फ्यूचर की बात है, ठीक है, ये तो इन्वेस्टमेंट के उसके बेस में हम बोल रहे हैं, बट यस इसका जो पोटेंशियल है आराम से ये 1 रुपीज़ से 10 रुपीज़ या फिर 15 रुपीज़ तक ये अभी आराम से जा सकता है। बट वो अगले साल का सेकेंड क्वार्टर तक मतलब इसका जो प्रोजेक्शन है तब का प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट, और अगर कुछ भी आपको डाउट्स है या फिर कुछ भी ऐसा सवाल है या फिर कुछ फीडबैक्स है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद करते हैं आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।